हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल मेथड की जिसको वार्ड लिनॉर्ड मेथड कहते हैं। उससे द्वारा हम किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस दो मेथड जो थे स्पीड कंट्रोल करने के डीसी मोटर के, वो तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टू लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशल मेथड की, और जिसको हम कहते हैं वार्ड लियोनार्ड सिस्टम मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें मेन मोटर के अलावा भी एक ऑक्सिलरी मोटर यूज़ होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी आपका एक डीसी जनरेटर यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको से सिंपली हम इसको पहले नाम लिखते हैं कि वार्ड लियोनार्ड, वार्ड लियोनार्ड मेथड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि तो डायग्राम सामने रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो सपोज कीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक कांस्टेंट सप्लाई लाइन है टू वायर की। तो ये हमने क्या किया, ये हमने सप्लाई लाइन फिर से कर दिया, ये हो गया कांस्टेंट डीसी सप्लाई। इसको हमने लिख दिया कांस्टेंट डीसी सप्लाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे दो मोटर और जनरेटर और कई चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज़ कीजिए कि हमने इसको ड्रॉ किया, एक मोटर हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ईएमएफ लिख दिया यहाँ पे हमने ई। उसके बाद ये हो गई एम वन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बनाया जनरेटर, ये हो गया जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये हो गई मोटर एम, ठीक है। अब इसको जो कनेक्शन करेंगे हम, पहले तो क्या होगा, पहले तो ये जनरेटर और ये मोटर, इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए इस तरह, ठीक। फिर इन तीनों को हम कनेक्ट कर देंगे इस तरह, ठीक है। अब बाकी जो कनेक्शन बचते हैं, पहले इसको हमने पूरा किया, तो मान लीजिए ये कनेक्शन आ गया यहाँ से, ये हमने लिया इसमें, ठीक। और दूसरा वायर जो है वो यहाँ से हमने लिया और इसमें, ये कनेक्शन हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ पे, हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ये कनेक्ट किया इस तरह रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी रेजिस्टेंस पे टैपिंग वाली, हमने यहाँ पे टैपिंग की, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस पे टैपिंग करके हमने क्या किया कि इसको ऐसे लेके आए और ये वाइंडिंग हो गई, और इसको लाके हमने इस पे टैपिंग कर दिया, ये पॉइंट हो गया पी, ठीक है। और दूसरी कॉइल हमने यहाँ कनेक्ट कर दी, इस तरह। तो ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया किसका, वार्ड लिनॉर्ड सिस्टम का। तो इसको आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं वार्ड लियोनॉर्ड सिस्टम। अब देखिए, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि फॉर सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स स्पीड कंट्रोल इज ऑब्टेन बाय वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज टू द आर्मेचर। यानी जो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो हमारा वोल्टेज वी था, जो अप्लाइड वोल्टेज है, इसको अप्लाइड वोल्टेज टू आर्मेचर, जो आर्मेचर को अभी तक हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते आ रहे थे वी, इसको अगर हम वैरी कराएंगे तो उससे भी हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपको देखा होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इन द वार्ड लियोनार्ड सिस्टम एम इज द मेन मोटर हुज स्पीड इज टू बी कंट्रोल्ड
कंट्रोल्ड, यानी ये मेन मोटर है एम, दिस वन, ये देखिए, जिसकी स्पीड हमको कंट्रोल करनी है। और दूसरी जो मोटर ये M1 है, ये वाली, ये एक ऑक्सिलरी मोटर है जो किसको ड्राइव कर रही है, जनरेटर जी को। इसको M1 इज द ऑक्सिलरी मोटर विच इज ड्राइविंग डीसी जनरेटर जी। द फील्ड ऑफ जी इज सेपरेटली एक्साइटेड फ्रॉम एन एक्साइटर ई। तो ये जो जनरेटर जी है, इसकी जो फील्ड है वो सेपरेटली एक्साइट की गई है, किससे, फ्रॉम एन एक्साइटर ई। इससे जो है, ये देखिए आप, इसके थ्रू इसकी फील्ड एक्साइट की गई है। द एक्साइटर ई ड्राइविंग मोटर M1 एंड द जनरेटर जी आर मैकेनिकली कपल्ड। तो ये देखिए, ये जो हमने कपलिंग दिखाई हुई है, ये तीनों आपस में मैकेनिकली कपल्ड है, ठीक। द पर्पज ऑफ द एक्साइटर ई विच इज ए स्मॉल डीसी जनरेटर, यानी ये ई क्या होता है, ये भी एक छोटा डीसी जनरेटर होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, इज टू सप्लाई ए कॉन्स्टेंट डीसी वोल्टेज टू द जनरेटर जी एंड द मेन मोटर फील्ड्स। द आउटपुट ऑफ जी कैन बी वेरीड ओवर ए वाइड रेंज बाई मीन्स ऑफ ए पोटेंशियोमीटर पी। तो जी का जो आउटपुट है, ये जो हम ये दिखा रहा है, पोटेंशियोमीटर पी यूज किया हुआ है ये, ठीक है। इसको देखिए, हमने इसीलिए यहाँ पे ये वेरिएबल यहाँ पॉइंटिंग की हुई है कि जी का जो आउटपुट है वो हम इससे वेरी करा सकते हैं, ठीक। दिस वेरिएबल वोल्टेज व्हेन अप्लाइड डायरेक्ट टू द आर्मेचर ऑफ द मेन मोटर एम। तो जब इसका जो आउटपुट है वो वेरिंग है, इसको जब हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली टू द मेन मोटर एम, जिसकी स्पीड हमको कंट्रोल करनी है इसकी, ठीक है। तो क्या होगा कि दिस वेरिएबल वोल्टेज व्हेन अप्लाइड डायरेक्ट टू द आर्मेचर मेन मोटर एम गिव्स ए वाइड रेंज ऑफ स्पीड टू इट। हेंस कंट्रोल ऑफ मोटर स्पीड ओवर ए वाइड रेंज इज ऑब्टेन्ड बाई वेरिंग द जनरेटर फील्ड करेंट। इस जनरेटर की जो फील्ड करेंट है उसको हम वेरी कराएंगे, उसकी वजह से उसका आउटपुट वेरी होगा, और वो आउटपुट चूंकि मोटर के आर्मेचर में जा रहा है, इसलिए उसकी वजह से मोटर की स्पीड वेरी होगी। द जनरेटर फील्ड करेंट कैन ऑल्सो बी रिवर्स बाई मीन्स ऑफ पोटेंशियोमीटर पी। तो जनरेटर की फील्ड करंट को अगर आपको रिवर्स करना है, तो ये जो पी आपने इस तरह यहाँ पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, इसको दूसरी डायरेक्शन में यूज़ कर लेंगे तो उसका आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। हेंस द मोटर कैन ऑल्सो बी रोटेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी कि मान लीजिए इस कनेक्शन में मोटर अगर आपकी क्लॉक वाइज घूम रही है, तो अगर आप इस कनेक्शन को यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे तो ये एंटी क्लॉक वाइज भी आप इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। हेंस द मोटर जनरेटर सेट ऑलवेज रन इन द सेम डायरेक्शन। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जनरेटर और मोटर का सेट है, ये एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर तो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो दोनों के रोटर जो है, जनरेटर का और चाहे मोटर का, दोनों क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो दोनों का, जनरेटर का और मोटर का, दोनों के रोटर एंटी, यानी सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ठीक। अब इस मेथड के जो एडवांटेज हैं, इस मेथड के हम लोग एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि द वाल्व लियोनार्ड सिस्टम ऑफर्स द एडवांटेज ऑफ स्मूथ स्पीड कंट्रोल ओवर द होल रेंज फ्रॉम 0 to नॉर्मल स्पीड इन आइदर डायरेक्शन। सबसे बड़ी बात क्या है, फायदा क्या है कि इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है वो बहुत ही स्मूथली होता है, 0 से लेकर नॉर्मल स्पीड तक आप वेरी करा सकते हैं, और इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी, ये इसका मेन प्लस पॉइंट होता है। लेकिन ये तो हो गया इसका प्लस पॉइंट, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इस डिसएडवांटेजेस, इस मेथड के एडवांटेज तो हमने बता दिया आपको, मेथड क्या होता है ये भी बता दिया। मेन क्या है कि इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि द यूज ऑफ एक्स्ट्रा मशीन्स मेक द सिस्टम कॉस्टली। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको एक आपको ऑक्सिलरी मोटर M1 ये, और दो आपको एक बड़ा जनरेटर एक छोटा जनरेटर, यानी कि अननेसेसरी आपको एक मोटर और दो जनरेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब ये एक्स्ट्रा मोटर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो
तो सिस्टम ऑब्वियसली बात है कि क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि द ओवरऑल एफिशिएंसी इज लो स्पेशली एट हाई लोड्स। तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज लो, और स्पेशली कब लो हो जाती है, जब आप ज़्यादा हाई लोड्स पे, हाई अगर आप ज़्यादा लोड अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी इस सिस्टम की काफ़ी कम हो जाती है। ठीक, अब इसमें आगे हम ये कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट कैन बी जस्टिफाइड इन केसेस वेयर हाई पावर मशीन रिक्वायर ए लार्ज स्पीड रेंज एज इन मोटर ड्राइविंग रोलिंग मिल्स कॉलरी वाइंडर्स एट्सेट्रा। तो अब ये जो हमने लिखा था कि भाई ये कॉस्टली पड़ता है, तो इस कॉस्टली पड़ रहा है तो इसको हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, जहाँ पे हाई पावर मशीन, जो हमारी हाई पावर मशीन है, अगर हम उनको इस हाई पावर मशीन अगर हम उनको यूज़ कर रहे हैं तो उनको यूज़ करने के लिए अगर हम ये स्पीड कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, और स्पीड कंट्रोल यूज़ करने से हमारी वी रिसीव ए लार्ज स्पीड रेंज, तो भाई पैसा अगर लग रहा है तो जो हाई पावर मशीन है उसकी सॉरी उसकी स्पीड के लिए हमको एक रेंज मिल जा रही है, तो हमको जिस जितने स्पीड पे हमारा काम हो रहा होगा हम उतने स्पीड पे चलाएंगे, उतने पे चलाएंगे तो उतना ही कम इनपुट पावर लेगी मशीन, उतना ही कम इनपुट पावर लेगी तो उतना इलेक्ट्रिसिटी में हमारी बचत होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी में बचत होगा तो कुछ जो ये सिस्टम में पैसा लगा है वो धीरे धीरे करके वो कंपनसेट हो जाएगा। तो इसलिए हाई पावर मशीन में जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं स्पीड कंट्रोल को करने के लिए। अब हाई पावर मशीन की एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे रोलिंग मशीन होती है, रोलिंग मिल जहाँ पे मेटल शीट्स वगैरह रोल की जाती है, ये हो गया। दूसरा है आपका कोलियरी वांडर्स, तो ये सब वो जगह हैं, COLL कोलेरी वाइंडर्स, तो ये सब एट्सेट्रा, ये सब वो मशीन है जो हाई पावर मशीन है। और अगर मान लीजिए हमारे पास जितने ज़्यादा स्पीड रेंज अवेलेबल होगा उतना ही हम रिक्वायर्ड स्पीड पर उस मशीन को चलाएंगे तो उतना ही हमारा वेस्टेज या पावर वेस्टेज नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, आपको ये जो थर्ड मेथड है स्पीड कंट्रोल का डीसी मोटर के, ये क्लियर हो गया होगा। पहले जो दो मेथड थे वो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस टू लेक्चर में उसको बात कर चुके हैं। पहला जो मेथड था आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो मेथड था वेरिएशन ऑफ फील्ड फ्लक्स, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और आर जो थर्ड और लास्ट मेथड है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर का, बाई वेरिएशन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज हम आर्मेचर पे अप्लाई करते हैं उसको वेरी करा के हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीड कंट्रोल ऑफ द डीसी मोटर। आई होप आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।